हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हमने संधि के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं और यह देखा था कि संधि के लिए या जो संधि की जाती है उसको संधि के अलावा और भी बहुत सारे नामों से या उसके समान जो कृत्य होते हैं उनसे पुकारा जाता है, जिसमें हमने स्मरण पत्र, प्रस्ताव, प्रोसेस वर्कर, अभिसमय आदि देखे थे। आज हम संधि प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संधि प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। संधि करने के कोई निश्चित तरीके नहीं होते हैं, वो संबंधित राज्यों अपने तरीकों से संधि करते हैं, लेकिन संधि से पूर्व संबंधित पक्षों के बीच सहमति होती है। उनके संबंध में विवादास्पद जो स्थिति होती है उसकी संभावना कमी होती है। संधि वार्ता के लिए संधि में शामिल होने वाले पक्ष जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, उनको वार्ता में शामिल करते हैं और जो मसौदा है वो एक तरीके से तैयार करते हैं और उसे स्वीकृत करने संबंधी पूर्वाधिकार और प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। संधि वार्ता के लिए राजदूत या दूतावास के अन्य कर्मचारियों में से किसी भी उपयुक्त कर्मचारी को वार्ता शुरू करने और उसमें भाग लेने का अधिकार दिया जा सकता है। वार्ता के लिए विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है, जैसे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या राज्याध्यक्ष भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये सोम क्या है, सत्ता के अंग और प्रतीक है। अब बात करते हैं हम, जब ये हो जाता है, संधि की वार्ता हो जाती है, तो वार्ता के लिए बाद मसौदा या प्रस्ताव या मसविदा तैयार किया जाता है। यह आरंभ में प्रस्ताव संबंधित संधि की रूपरेखा की भांति होता है। मोटे मुद्दों को अर्थात प्रमुख बातों को खास तौर के से सामने लाया जाता है कि उन पर कैसे विचार किया जाए, कैसे सहमति बनाई जाए, इस बारे में सविस्तारी वार्ता चलती है। और जिन बातों पर वार्ता होती है उनको क्रम के अनुसार संकलित कर लिया जाता है और इस तरह सभी मुद्दों पर जो विचार किया जाता है वो सविस्तार विश्लेषण एवं सहमति के बाद संपूर्ण संधि का मसविदा उसके रचयिता या वार्ताकार उस पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित करते हैं। फिर बात होती है तीसरी स्थिति, हस्ताक्षर की। यह काफ़ी औपचारिक होती है। वार्ता में जो मंत्री प्रतिनिधिमंडल शामिल होता है उससे पूर्ण सलाह करके या तो वार्ताकार मंडल का प्रमुख जैसे राजदूत या विदेश मंत्रालय का सचिव और या फिर सरकार जिसको प्रतिनिधि निधि नियुक्त करती है, राज्याध्यक्ष का प्रतिनिधि या प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुष्टिकरण की। पुष्टिकरण जब हस्ताक्षर हो जाते हैं मसौदे पर उसके बाद पुष्टिकरण की प्रक्रिया प्रत्येक देश में अलग अलग होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया जो पुष्टिकरण किया जाता है वह राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित और नियमित होती है। प्रत्येक देश के संविधान के अंतर्गत संधि करने का अधिकार विशेष व्यक्तियों संस्थाओं को दिया जाता है और हम कह सकते हैं कि जैसे काई हालवे ने 23 राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था में जो पुष्टिकरण की प्रक्रिया थी उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। बात करते हैं बेल्जियम के संविधान के 1931 में जो निर्मित हुआ था और मौलिक रूप से अब भी लागू है। यूरोप के अनेक संविधान इसी को आधार मानकर बनाए गए। इसकी 68वीं धारा में कहा गया है कि सभी शांति संधियां, व्यापारिक संधियां एवं रक्षा संधियां राज्य के द्वारा की जाएगी। देश के राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधी हितों को ध्यान में रखते हुए जब भी उपयुक्त तथा संभव होगा राज्य इसकी सूचना संसद को देगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 246 है उसमें संघीय संसद को संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जो उपधारा सब क्लोज 4 है उसमें कहा गया है कि संसद को संधि के विषय में किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार किसको होगा? कार्यकारिणी को, अर्थात कार्यपालिका को। अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में भी जो संधि प्रक्रिया है उसके बारे में बात करने का अधिकार
किसको होगा? कार्यकारिणी को का विशेषाधिकार है, अर्थात कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। लेकिन यहाँ पर चेक और बैलेंस की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार राष्ट्रपति अकेला संधि प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता है। संधि की पुष्टि अमेरिकी सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, उसके द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर पुष्टिकरण किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के संसद के उच्च सदन सीनेट के द्वारा। इसी प्रकार से बात करते हैं हम संधि की प्रमाणिकता की। अब बात यह कि जब हस्ताक्षर वगैरह सब हो गए तो संधि को प्रमाणित किसके द्वारा किया जाए, और संधि की किसी धारा के बारे में यदि मतभेद हो तो उसको सुलझाने का क्या तरीका होगा, यह भी संधि में स्पष्ट किया जाता है। इसमें सशर्त स्वीकृति होती है या फिर शर्त का प्रभाव भी होता है। सशर्त स्वीकृति में अंतर्राष्ट्रीय समाज को संगठित करने की भावना ने ही संधि को शर्त सहित स्वीकृत करने के तरीके को जन्म दिया। जो छोटे छोटे मतभेद होते हुए भी संधि भंग न हो, उसका स्वरूप बाध्यकारी बना रहे तथा अधिक से अधिक राज्य संधि में शामिल हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि सदस्य राज्यों को थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान की जाए और उन्हें अधिकार हो कि वे संधि को की कुछ औपचारिक धाराओं से स्वयं को मुक्त रख सकें और संधि की सदस्यता भी बनाए रख सकें। फिर है शर्त का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ द रिजर्वेशन। शर्त एक तरह से क्या होता है, संशोधन या का प्रस्ताव ही होता है। उस शर्त द्वारा आंशिक संशोधन की मांग की जा सकती है। जब तक किसी एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन या शर्त को अन्य सदस्य राज्य द्वारा स्वीकृति नहीं देते, तब तक संधि को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संधि करने की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी भी स्तर पर संशोधन को प्रस्तावित किया जाता है, जैसे संधि वार्ता के दौरान कोई शर्त रखी गई और उसी शर्त को ध्यान में रखकर संधि का मसौदा तैयार या स्वीकार किया जाता है और उस पर अन्य सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, तो यह माना जाएगा कि संधि के अन्य सदस्य राज्य शर्त को स्वीकार कर चुके हैं। अन्य राज्यों द्वारा संधि की पुष्टि किए जाने का अर्थ है कि शर्तों की वे भी पुष्टि कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि में यदि अब प्रश्न उठता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य संधि होती है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ राज्य कुछ समय बाद या बाद में प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि वे उन शर्तों को माने ही, वे उन शर्तों के खिलाफ रह सकते हैं। अन्य सदस्यों को भी अधिकार होगा कि वे राज्यों द्वारा शर्तों के खिलाफ रखी गई शर्तों को स्वीकार न करें और संधि के सदस्य बने रहने पर भी उन संशोधनों को पालन करने को बाध्य नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो संधि होती है, उसकी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले संधि की वार्ता की जाती है, फिर उसके बाद उसका मसौदा तैयार किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है और फिर वहाँ के राजा द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा, राज्याध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर उसकी पुष्टिकरण किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर संसद के द्वारा भी इसका पुष्टिकरण आवश्यक होता है। भारत के संविधान में यहाँ की कार्यकारिणी ही इसकी पुष्टि करती है। हाँ, अगर आवश्यक हो तो वो कुछ इसके बारे में वहाँ की संसद को बता सकती है। अमेरिका के संविधान में चेक और बैलेंस के कारण सेकंड जो संसद का सदस्य है उसको बताना आवश्यक है, पुष्टिकरण आवश्यक है। फिर संधि की प्रमाणिकता है जिसके अंतर्गत सशर्त स्वीकृति और शर्त का प्रभाव है, और उसके बाद शर्तों की क्रियान्विति की जाती है जो कि संबंधित राज्यों के द्वारा ही होती है। धन्यवाद।